पहले आया था और गोवा के लोगों को दूसरी गारंटी दी थी, रोजगार की गारंटी। अभी तक गोवा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं, उनकी पॉलिसीज की वजह से गोवा के अंदर बहुत जबरदस्त बेरोजगारी है। दोनों सरकारों ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, उनको रोजगार दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता की लड़ाई चलती रही। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि हम गोवा के हर परिवार से एक युवा को, बेरोजगार युवा को रोजगार दिलवाएंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये हमारा ऐलान था। और दूसरा, टूरिज्म का सेक्टर जो है कोरोना की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, तो हमने कहा कि जब तक लोगों को अपना रोजगार टूरिज्म में वापस नहीं मिलता, जो जो जहां जहां काम करता था, चाहे होटल इंडस्ट्री है, टैक्सी वाले हैं, जो जो लोगों को अपना काम वापस नहीं मिलता, 5,000 रुपये महीना उनको देंगे। और माइनिंग इंडस्ट्री बंद हो जाने की वजह से माइनिंग के बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बेरोजगार हो गई, तो जब तक माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग का काम उनका शुरू नहीं होता तब तक 5,000 रुपये उन फैमिलीज को देंगे जो माइनिंग बंद हो जाने से बेरोजगार हो गई। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हमने लगभग 25-30 दिन पहले ये ऐलान किया था, तब से पिछले 20-25 दिन में गोवा में 1,12,000 युवाओं ने हमारे रोजगार गारंटी प्रोग्राम में रजिस्टर किया है। दैट्स ऑलमोस्ट 1,12,000 फैमिलीज, ऑलमोस्ट 25 से 30% गोवा की फैमिलीज ने रजिस्टर किया है। एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी वादा, और उस चुनावी वादे में इतने बड़े स्तर के ऊपर लोग आगे आके अगर रजिस्टर करते हैं, ये दिखाता है कि लोगों का आम आदमी पार्टी के ऊपर कितना भरोसा है। मैं उन सब लोगों को जिन्होंने रजिस्टर किया है, उन सबको फिर से यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसे हम सुनते थे ना कि ये फेविकोल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं, ऐसे ये केजरीवाल की गारंटी है, ये पूरी होके रहेगी। तो आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भरोसा रखना, सरकार बनाते हैं सब लोग मिलके, और सरकार बनने के बाद इसको पूरा करेंगे, आपको रोजगार भी दिलाएंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आपको रोजगार भत्ता भी देंगे। उसके पहले हमने बिजली की गारंटी की थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। गोवा के अंदर पावर कट्स लगते हैं इतने सारे, तो जैसे दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की, ऐसे हम गोवा के अंदर भी 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करेंगे। जैसे दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त की, ऐसे गोवा के अंदर भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, किसानों को बिजली मुफ्त देंगे और पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे। तो उसके पहले हमने बिजली की गारंटी दी थी, उसके अंदर 2,90,000 फैमिलीज ने रजिस्टर किया। दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 70-75% ऑफ गोवा, इट्स ह्यूज। मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी पार्टी के लिए किसी गोवा के लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के रजिस्टर किया है। मुझसे अक्सर मीडिया वाले और कई लोग पूछते हैं, और कि ऑपोजिशन वाले भी आरोप लगा, पैसा कहां से आएगा? आप रोज आके कहते हो ये भी मुफ्त देंगे, वो भी मुफ्त देंगे, पैसा कहां से आएगा? उसका जवाब अभी गोवा के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने दे दिया कि पैसा कहां से आएगा। सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाया है कि जब वो गोवा के 1 साल गवर्नर रहे, उस 1 साल के अंदर उन्होंने कहा कि गोवा के हर काम में करप्शन है, गोवा के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। ये ऑपोजिशन पार्टी अगर आरोप लगाती तो समझ में आता था, ऑपोजिशन का तो काम ही आरोप लगाना, ऑपोजिशन वाले तो सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के गवर्नर, उनकी अपनी पार्टी के गवर्नर अपनी पार्टी के सीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यह सबसे भ्रष्ट सीएम है। मुझे लगता है 1947 के बाद से आज तक
आजाद भारत 75 साल हो गए, 75 साल में ये पहला वाक्या है कि किसी गवर्नर ने अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाया है। और सत्यपाल मलिक जी बहुत मैच्योर आदमी है, कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है, हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा उनका वो रहा है, अपना एक्सपीरियंस रहा है। एक एक शब्द वो नपे तुल नाप तोल के बोलते हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने हिम्मत दिखाई अपने पार्टी के भी करप्शन की बात करने की। एक गवर्नर के पास दो तरह से इंफॉर्मेशन, एक तो कई सारी फाइल्स जाती हैं गवर्नर के पास, जैसे दिल्ली के अंदर मैं मुख्यमंत्री हूं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहां तो कई ज्यादा ज्यादा फाइलें जाती हैं, यहां भी कई फाइलें जाती हैं। और दूसरा, गवर्नर का अपना तंत्र होता है, उस तंत्र के जरिए गवर्नर को बहुत सारी सरकार की इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑफिसर्स आते हैं, इंटेलिजेंस होती है, बहुत सारे। तो जो आरोप सत्यपाल मलिक जी ने लगाए हैं वो आरोप बहुत गंभीर हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने की कोशिश कर रही है, अपने मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यह कि खुलेआम सरेआम भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश कर रही है। इससे भी बढ़कर सत्यपाल मलिक जी ने केवल अपने मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर भी, केंद्रीय सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने इस भ्रष्टाचार के बारे में, गोवा के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में जब केंद्रीय लीडरशिप को बताया कि भाई हमारा मुख्यमंत्री चोरी कर रहा है, तो केंद्रीय सरकार ने मुख्यमंत्री को हटाने के बजाय गवर्नर को ही हटा दिया, बोले चुप हो जाओ और नहीं बोलेगा। इतना करप्शन है, इतना करप्शन है। कांग्रेस भी करप्शन करती थी, बीजेपी भी करप्शन कर रही है, दोनों ही करप्शन करते हैं। इसीलिए कांग्रेस की हिम्मत नहीं होती बीजेपी के खिलाफ बोलने की। उनको पता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ बोले तो कांग्रेस वालों को जेल में डाल। ऐसा क्यों हुआ, 10 साल से बीजेपी की सरकार है और एक भी कांग्रेस के पुराने मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, एक भी पुराना कोई। पहले कहते थे बीजेपी वाले जब कांग्रेस की सरकार थी कि कांग्रेस बड़ी करप्शन कर रही है, कांग्रेस बड़ी करप्शन कर रही है। अगर कांग्रेस करप्शन कर रही है तो बीजेपी वालों ने 10 साल में किसी को जेल क्यों नहीं भेजा। दोनों मिले हुए हैं, मिल बांट के मलाई खाते हैं, मिल बांट के 5 साल तुम चलाओ, 5 साल फिर हम चलाएंगे, फिर 5 साल तुम चलाओ, 5 साल हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, तुम हमारे खिलाफ एक्शन मत लेना। बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी प्रमोद सावंत जी ने कहा कि सरकार हमारी बनेगी, ऑपोजिशन कांग्रेस की होगी। दोनों ने बैठ के डिसाइड कर लिया कि हम सरकार बनाएंगे, तुम ऑपोजिशन, तुम्हारे ज्यादा भी आ जाएं तो हमारे पास भेज देना, सरकार हम बनाएंगे, ऑपोजिशन तुम लोग। इतना प्यार मोहब्बत दोनों के अंदर कभी नहीं देखा। तो आप जो पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा, आम आदमी पार्टी गोवा को पहली बार एक ईमानदार सरकार देगी, जैसे दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार दी। और मेरी सारी अखबार वालों से है कि कल की हेडिंग लगा देना कि केजरीवाल ने कहा कि पहली बार गोवा को एक ईमानदार सरकार देंगे। ये नई बात है, गोवा की राजनीति में नई बात है। आज तक भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था। पहली बार ईमानदार सरकार देंगे और पैसे की कमी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, पैसे की कमी नहीं है, पैसे, अब पैसा बहुत है। रोजगार भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे, और आज मैं एक और ऐलान कर रहा हूं वो भी करेंगे, और अभी आने वाले 2 महीने में मैं कई सारे ऐलान करूंगा वो भी करेंगे, सारा करेंगे, सारी गारंटी पूरी करेंगे। तो आज मैं एक और गारंटी गोवा के अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को देने के लिए आया हूं। मैं अभी अयोध्या गया था, वहां पे राम मंदिर गया, रामलल्ला के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बाहर निकल के मन में एक विचार आया कि जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ राम मंदिर के, राम भगवान श्री राम के दर्शन करने का, ये सौभाग्य सबको प्राप्त हो। तो मन में मैंने ये ठाना कि जितना मुझसे बन सकेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अयोध्या के और श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाऊंगा, ये विचार लेके मैं वहां से आया। तो आज मैं गोवा में ये ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में
अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे। जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनके लिए हम वेलंकनी उनको लेके जाएंगे, फ्री तीर्थ यात्रा उनको वेलंकनी की करवाएंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अजमेर शरीफ की यात्रा करवाएंगे। और मुझे बताया गया कई सारे ऐसे लोग हैं गोवा के अंदर जिनको शिरडी में श्रद्धा है, उनको शिरडी की तीर्थ यात्रा कराएंगे। अब ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा, दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। 3 साल पहले शुरू की थी लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से रुक गई। पहले 1 साल में 35,000 से ज्यादा लोगों को हम तीर्थ यात्रा करा चुके हैं दिल्ली में। उसमें हम लोगों को उनकी चॉइस के तीर्थ उन चॉइस दे दी जाती है, उसकी चॉइस के तीर्थ स्थान पे ले जाते हैं, एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, उनका आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ सरकार देती है, सब कुछ फ्री होता है। कहा गया है कि तीर्थ यात्रा करवाना बड़े पुण्य का काम है। इन्हीं लोगों की दुआओं से और इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आज हम लोगों को लोगों का प्यार मिल रहा है। तो गोवा के लोगों को भी हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे। इन 4 स्थानों में से कोई भी एक स्थान गोवा का कोई भी व्यक्ति चूज कर सकता है, चाहे अयोध्या, चाहे शिरडी, चाहे वेलंकनी और चाहे अजमेर शरीफ। इन 4ों में से जहां भी वो जाना चाहे वहां वो जा सकता है और उन सबको हम फ्री में तीर्थ यात्रा करवाएंगे, जैसे दिल्ली में करवा रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, हमने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। 35,000 से ज्यादा लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। अब दोबारा अभी पिछले हफ्ते जब मैं अयोध्या से लौट के आया तो अयोध्या को भी हमने उस लिस्ट में ऐड किया तीर्थ यात्रा के स्थान में। अब दिल्ली में फिर से दोबारा चालू हो गई है कोरोना के बाद से। मैं एक चीज देख रहा था गोवा की राजनीति के अंदर आजकल जो चल रहा है, किसी भी पार्टी को गोवा के किसी भी मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोई पार्टी सुबह उठ के कहती है हम इसके साथ अलायंस करेंगे, शाम को कहते हैं नहीं इसके साथ नहीं करेंगे, इसके साथ अलायंस करेंगे, सुबह कहती है हम उसके साथ। इनको अपनी बस सत्ता का खेल चल रहा है, सत्ता का खेल चल रहा है। वो उस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में आ गया, वो उधर से उधर चला गया, वो किसी को। आज अभी तक आपने किसी भी कांग्रेस या बीजेपी या टीएमसी या जीएफपी या एमजीपी या जो भी जितनी भी पार्टियां हैं किसी को भी गोवा के लोगों के मुद्दे के बारे में बात करते सुना क्या? किसी को सुनाओ, कांग्रेस को, बीजेपी को, इनमें से किसी पार्टी को सुनाओ कि वो कहते हैं हम रोजगार देंगे, किसी को सुनाओ वो कह रहे हो कि बिजली ठीक करेंगे, किसी को सुनाओ कि वो कह रहे हैं कि पानी ठीक करेंगे, किसी को सुनाओ कि वो कह रहे हैं कि हम रोड्स ठीक कर, किसी को कोई मुद्दा ही नहीं है किसी का गोवा के लोगों के लिए। आम आदमी पार्टी एक नई किस्म की राजनीति गोवा के अंदर शुरू कर रही है, ईमानदार राजनीति, जनता की राजनीति। हम केवल और केवल जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं जितनी बार आता हूं मैं गाली गलौच नहीं करता, मैं भी कर सकता हूं जैसे दूसरी पार्टी कर रही है, ऐसा है वो वैसा है, मैं भी गालियां देके चला जाऊंगा, क्या फायदा होगा? गोवा के लोगों की तो तरक्की नहीं होगी। हम केवल और केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि जो लोग, जो इतनी भारी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहे हैं, 75% ऑफ गोवा हैज रजिस्टर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी रजिस्ट्रेशन, 30% ऑफ गोवा हैज रजिस्टर्ड फॉर आर बेरोजगारी प्रोग्राम, इतनी बड़ी संख्या में, इसका मतलब लोगों को अब केवल और केवल आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो किसी को नहीं बख्शेंगे। जितने लोगों ने गोवा के लोगों की पैसे की चोरी की है सबको पकड़ के पैसा रिकवर करेंगे, सबको जेल भेजेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। ये जो मिल बांट के मिलावट चल रही है ना बीजेपी और कांग्रेस की, इसको बंद करेंगे। बीजेपी की सरकार आती है तो किसी कांग्रेस वाले को कुछ हुआ? नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार आती है बीजेपी वालों को कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कभी सोचा? हम 24 घंटे ही अलायंस की, जो रोज मैं गोवा के आजकल न्यूज़पेपर्स को बड़ी क्लोजली मैं पढ़ता हूँ,
रोज सुबह इससे अलायंस करेंगे, शाम को उससे अलायंस, 24 घंटे। अरे आप गोवा के लोगों के बारे में सोचते हैं क्या? अपने दिन के 24 घंटे में से 15 मिनट गोवा के लोगों की समस्याओं के बारे में सोचते हैं क्या? हम केवल और केवल गोवा के लोगों का, गोवा के डेवलपमेंट का पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं हम लोग। आने वाले टाइम में जब मैं आपके बीच में आऊंगा, मैं माइनिंग की भी बात करूंगा, मैं लैंड राइट्स की भी बात करूंगा, मैं हेल्थ की भी बात करूंगा, मैं एजुकेशन की भी बात करूंगा, मैं विमेन प्रोग्राम्स की भी बात करूंगा, इन सब का खाका तैयार हो रहा है। इंडस्ट्री की भी बात करेंगे, ट्रेड की भी बात करेंगे, वी आर मेकिंग अ प्लान फॉर एवरी सिंगल सेक्टर दैट अफेक्ट्स डायरेक्टली। सड़कों का हमारा प्लान बन रहा है, टूरिज्म का प्लान बन रहा है, इन सब चीजों का हम प्लान, कोई और पार्टी बना रही है? किसी को परवाह ही नहीं है गोवा की। बीजेपी के अंदर लड़ाई चल रही है, वो सुना है कि वो उस मुख्यमंत्री को खींचने में लगा हुआ है, 3 मुख्यमंत्री के और दावेदार हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले आपस में लड़ रहे हैं, सारे आपस में लड़ रहे समय आने पे बता देंगे, लेकिन अभी ऐसा बोला क्या ममता देवी ने? मुझे नहीं लगता वो मेरे बारे में ऐसा बोल सकते, ऐसा बोल नहीं सकती ममता दीदी मेरे बारे में। महिलाओं को कितने टिकट दिए जाएंगे गोवा में, जिस तरह से यूपी में प्रियंका गांधी ने बोला 40% लोगों को टिकट, तो कांग्रेस गोवा में दे रही है कि 40% महिलाओं को? उनसे पूछिए ना, हमारा कहना है कि नौटंकी मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए। अगर देना है पार्लियामेंट में बिल लेके आते हैं, हमारी पार्टी सबसे पहले सपोर्ट करेगी 33% महिलाओं को बिल देने का, बिल लेके आते हैं और करते हैं। और अगर आप सिंसियर हैं तो यूपी यूपी की महिलाएं क्यों, गोवा की महिलाएं कम है क्या? गोवा के अंदर 40% महिलाओं को दो टिकट, पंजाब के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं, पंजाब के अंदर 40% यूपी में देंगे, क्योंकि यूपी में तो आना ही नहीं उनको। बन गई है, चल रही है, अच्छी चल रही है, आप आइए किसी दिन, आपको लेके चलेंगे, आपको स्कूल अस्पताल भी दिखाएंगे, आप सब लोगों का स्वागत है। मीडिया के सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, हमारा मॉडल फर्जी मॉडल नहीं है जैसे उन लोगों का था, हमारा मॉडल असली मॉडल। वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन प्रोवाइडिंग ऑनेस्ट एंड गुड गवर्नेंस टू द पीपल ऑफ गोवा। गोवा के, सुनिए सुनिए, गोवा के लोगों के लिए एक उम्मीद दे रहे हैं कि एक नया, नई किस्म की राजनीति हो सकती है, इस तरह का विकास हो सकता है। किसको हराना है और किसको जिताना है ये काम हमारा नहीं है, ये लोगों का है। लोग चूज करेंगे कि किसको जिताना है और किसको हराना है। अगर हम ये कहें कि हम सारे मिलकर इस पार्टी को हराने आए हैं, हराना और जिताना काम तो जनता का है, हमारा नहीं है। हम गोवा के लोगों के लिए एक नई किस्म की राजनीति और एक डेवलपमेंट का प्लान उनके सामने रख रहे हैं। लोगों को अगर प्लान पसंद आएगा तो हमें वोट देंगे। आज गोवा के घर घर में चले जाइए, किसी भी घर में, हमारे वॉलंटियर्स डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो मुझे आके फीडबैक देते हैं। हर व्यक्ति कहता है जी आपने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, यहां भी ऐसे ही काम करके दिखाना, करेंगे ना। वी विल टॉक इन 2024। अभी गोवा की बात करते हैं, गोवा के चुनाव की बात करते हैं, फरवरी की बात करते हैं, 2022 की बात करते हैं। सबके लिए कर रहे हैं हम, क्रिश्चियंस के लिए भी अनाउंस किया, मुस्लिम्स के लिए भी अनाउंस किया, हिंदूज के लिए भी अनाउंस किया, सबके लिए अनाउंस किया मैंने। अच्छी चीज है, नो, देर इज नो पोलराइजेशन, लिसन टू मी, देर इज नो पोलराइजेशन सबके लिए। अगर कोई क्रिश्चियन है उसको वेलिंगटन ही भेज रहे हैं, मुस्लिम के लिए अजमेर शरीफ है, हिंदुओं के लिए शिरडी है, अयोध्या है, जो जहां जाना चाहे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। और भगवान के अंदर श्रद्धा तो सबकी है, अपने अपने हिसाब से लोग श्रद्धा करते हैं। दिल्ली में जो हमारी तीर्थयात्रा योजना है उसके अंदर 12 तीर्थ स्थान है। आज मैंने गोवा में इस स्कीम को अनाउंस किया है, सरकार बनने के बाद जब ये स्कीम लागू हो जाएगी इसमें और स्थान ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे गोवा के लोगों की डिमांड होगी। सब लोग तीर्थ स्थान जाना चाहते हैं, अच्छी वाइब्रेशन लेके आते हैं,
गोवा का सुधार होगा, अच्छा शांति मिलेगी मन को सबको। नहीं है तो आपको लगता है कि दिल्ली में नहीं है, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। हम लोग जब मंदिर जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं तो शांति के लिए जाते हैं, भगवान की भक्ति के लिए। ऐसा थोड़ी कि आपके मन में शांति नहीं है, लेकिन मंदिर मन गोवा से जो लोग गोवा में आते हैं तो गोवा के मंदिर में जाते हैं, मंगेशी है, मालसा है। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। होने ही वाला था, सत्यपाल मलिक जी ने कह दिया कि ये सबसे भ्रष्ट है। अब बीजेपी को लगता है हटाएंगे तो लोगों को लगेगा कि सच था। थैंक यू। थैंक यू।